हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक नया चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे इलेक्ट्रॉनिकली एक बिल होता है जो आपके रास्ते के लिए, वे का मतलब रास्ता, अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, अगर कोई सामान आपका ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या किसी गाड़ी के थ्रू अगर कोई सामान मूवमेंट कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस और उसकी वैल्यू 50,000 से अधिक है, कितने से अधिक, और उस सामान की वैल्यू कितने से अधिक है, 50,000। सर 50,000 कौन सा, वो सेक्शन 15 वाला जो वैल्यूएशन चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। यस और नो? यस सर। तो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप अपने सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करना चाह रहे हैं, चाहे सेल के थ्रू, चाहे बिना सप्लाई के थ्रू, चाहे सप्लाई के कारण, चाहे बिना सप्लाई के कारण, आएगा वो चीज़। तो अगर आप सप्लाई कर रहे हैं या कोई मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स का, क्या कर रहे हैं, मूवमेंट, एक जगह से सामान को दूसरी जगह से ले जा रहे हैं, तो रास्ते में मान लो मेरे को एक गाड़ी मिली, मैं जानना चाहता हूं कि ये सामान किसका है और कहां जा रहा है, दो मिनट के लिए मैं जानना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक दैट, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी, नो? उसी को कंट्रोल और मॉनिटरिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि यस, सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, बट आई जस्ट वांट टू मॉनिटर दोस थिंग्स, कहीं ऐसा तो नहीं दो नंबर में काम हो रहा है, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के वो सिस्टम चल रहा है, वो ब्लैक मनी का सिस्टम जनरेट हो रहा है, ना ना ना, गवर्नमेंट चाहती है हम इसको मॉनिटर करना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम अप्लाई किया कि हम ई वे बिल का कंसेप्ट ले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का कंसेप्ट ले आते हैं। अगर अब कोई टैक्स पेयर है, कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान मूवमेंट करना चाहता है, चाहे सप्लाई के रीजन से, चाहे बिना सप्लाई के रीजन से, अभी आएंगे जानेंगे ये क्या है, और वो रास्ते से होकर के जा रहा है, तो वहां पर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली आपको लॉगिन करना पड़ेगा जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल पे, वहां पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाना है, उसके बाद जब आपका मूवमेंट होगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर किसी गुड्स का, तो सबसे पहले आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। उस ई वे बिल में आपको दो पार्ट भरने होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में तुरंत सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि सप्लायर कौन है, रेसिपियंट कौन है, किस डेट को सामान जाएगा, और इनवॉइस नंबर क्या है, और गाड़ी का नंबर, मींस गाड़ी का नंबर वगैरह, सारी डिटेल्स वहां मांग ली जाती हैं। उसके बाद जैसे ही क्लिक करते हैं आप, आपका एक ई वे बिल जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? ई वे बिल जनरेट हो जाता है। उस ई वे बिल में ऊपर ना अब एक क्यूआर कोड भी आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगर आप उसको स्कैन करेंगे ना, तो पता चल जाएगा सारी की सारी डिटेल्स आपके मोबाइल पर आ जाएगी कि ये सामान कहाँ से चला, कहाँ को जाएगा, और कितने रुपये की वैल्यू का सामान है। क्लियर है? सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो गवर्नमेंट मॉनिटर करना चाहती है, गवर्नमेंट दो नंबर के सिस्टम को बंद करना चाहती है और लोगों से ईमानदारी की बात करती है। सिस्टम को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है, बट ऑब्वियस है करना जरूरी भी है। तो कहा गया ई वे बिल इज बेसिकली अ कंप्लायंस मैकेनिज्म, यानी यहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। कंप्लायंस यहां पर आ गया, इसका मतलब यहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। तो गवर्नमेंट आपको एक लीगल फॉर्मेलिटीज दे रही है। लीगल फॉर कंप्लायंस मींस लीगल फॉर्मेलिटीज, ये है आपका कंप्लायंस, लीगल फॉर्मेलिटीज। Mechanism wherein by way of digital interface the person causing the movement of goods uploading the relevant information। तो एक चीज याद रखेंगे ये वाला, क्योंकि इसके लिए हमको एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। हम लोग देखेंगे पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, मीन्स डेफिनेशन इन द सेंस वी हैव टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म। अच्छा, अपलोड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो जो बंदा जिसके कारण वो सामान मूवमेंट हो रहा है उसको अपलोड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म आ गया है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, और उसको जनरेट करना पड़ेगा एक ई वे बिल। कोई दिक्कत? मॉनिटरिंग के पर्पज से, हाँ या ना? अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहता है, टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि हर एक वो ट्रांजेक्शन की डिटेल हमारे पास आनी चाहिए जो गुड्स के परचेज और सेल से रिलेटेड है, 50,000 रुपये से अधिक। छोटे छोटे जगहों पर नहीं गया, 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये के सामान को मॉनिटर नहीं करना चाहता गवर्नमेंट। 50,000 रुपये से अधिक के आइटम्स को अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट कराना चाहते हैं, 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़, तो वहाँ पर आपको ई वे बिल की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। आपको लॉग इन करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल को, वहाँ पर ई वे बिल में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप रजिस्टर्ड हैं नहीं हैं तो भी ई वे बिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है ना?
मैंने क्या कहा, आप रजिस्टर्ड हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी पोर्टल में आप रजिस्टर्ड ना हो लेकिन ई वे बिल पे के पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एनरोलमेंट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस नॉर्मली रजिस्टर्ड पर्सन ऑटोमेटिकली वहां रजिस्टर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, किसी को भी कोई एनरोलमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं आती फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही आप वहां पर ई वे बिल की सारी इंफॉर्मेशन, दो ई वे बिल में दो पार्ट आएंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए तुरंत जनरेट हो जाता है, वहां पर केवल आपको सप्लायर का नाम लिखना पड़ता है, मतलब मैं सप्लायर हूं, किस डेट में मैं सप्लाई करूंगा, कौन सा सामान मैं सप्लाई करूंगा, उसका इनवॉइस नंबर क्या है, कितने रुपए की वैल्यू का सामान है और रेसिपिएंट कौन है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई टू प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी सबमिटेड इन दैट पार्ट ए ऑफ EWB01। मैंने क्या बोला, GST EWB01 EWB01 ये फॉर्म है जो हमें फिलअप करना पड़ता है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और इसका दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी। तो मैंने पार्ट ए बताया, पार्ट बी में हमें व्हीकल की डिटेल्स देनी पड़ती हैं और किस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो मूवमेंट होगा वो देना पड़ता है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इन अदर वर्ड्स, ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। बता दिया सर, कोई नई चीज बताइए। सेक्शन 68, जब हम इस चैप्टर को देखेंगे ना, ई वे बिल को, तो वहां पर एक ही सेक्शन आता है, सेक्शन 68, और साथ ही साथ कुछ रूल्स आएंगे, रूल 138 ABCD, वो देखा जाएगा। फिलहाल सेक्शन 68 क्या कहता है, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। सेक्शन 68 क्या कहता है, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। तो जब भी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुड्स को मूवमेंट करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले एक वैल्यू से अधिक, अगर कम का वैल्यू है, 20,000 का सामान है, मैं मूवमेंट करना चाहता हूं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू यूज ई वे बिल सिस्टम, हु कैन स्टॉप मी टू जनरेट ई वे बिल? नो वन। बट यस, इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹50,000, मैंने क्या कहा, अगर गुड्स की वैल्यू ₹50,000 से अधिक है, इट इज कंपल्शन ऑन मी। बट इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज अप टू ₹50,000, इट्स एन ऑप्शनल थिंग, इफ आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद द ई वे बिल सिस्टम और डू नॉट वॉन्ट टू गो विद द ई वे बिल सिस्टम। तो सर, ये 50,000 की वैल्यू फाइनल कैसे होती है, सरकार को क्या मालूम? आपने ना 2,00,000 का सामान ट्रक से निकाल दिया और कह दिया ये तो 40,000 का सामान है। भैया ऐसे नहीं, उसके लिए सेक्शन 15 है, जहां डाउटफुल केस होगा वहां पर तुरंत सेक्शन 15 लगेगा और वहां पर वैल्यूएशन सिस्टम लग जाएगा। मेरी बात ढंग से समझेंगे, कोई आदमी, कोई ऑफिसर इतना मूर्ख नहीं है, उसको नहीं मालूम कि ये सामान कितनी वैल्यू का होगा। नॉर्मली वो दिन भर उन चीजों से दो चार होता रहता है। फिलहाल सेक्शन 68 क्या कहता है, अब मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, जब आप जनरेट करते हैं ईवे बिल, जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन पार्ट ए और पार्ट बी भरा, तुरंत आपका ईवे बिल जनरेट होगा, वहां पर क्यूआर कोड आएगा, आप स्कैन करके वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ई वे बिल का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ई वे बिल आपको दो तरह से मिल जाएगा, या तो आप उसको क्यूआर कोड के थ्रू अपने मोबाइल में रख लें, या फिर आप उसका प्रिंट आउट लेकर अपने साथ रखें। जो बंदा एक जगह से सामान दूसरी जगह, यानी कि ड्राइवर, जो पर्सन इंचार्ज है उस कन्वीनियंस का, वो उस ई वे बिल को अपने साथ जरूर रखेगा। वो वैलिड प्रूफ होता है, एक लीगल प्रूफ होता है गुड्स की ओनरशिप और गुड्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और गुड्स कहीं ऐसा तो नहीं दो नंबर का है। अच्छा, सेक्शन 68 क्या कहता है, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। तो जो बंदा गाड़ी चला रहा है, यानी जो जिसके कब्जे में वो गाड़ी है, जो पर्सन इंचार्ज है उस कन्वीनियंस का, जो कैरी कर रहा है वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, और उसकी वैल्यू ₹50,000, मैंने यहां पर लिखा है एक्सीडिंग सच अमाउंट, तो उसकी वैल्यू अगर 50,000 से अधिक है, तो उसको ऐसे डॉक्यूमेंट को या और डिवाइस को लेकर के चलना पड़ेगा। सर डिवाइस क्या है यहां पर, मतलब डिवाइस का मतलब है ट्रैकिंग सिस्टम, उसको भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। यानी गवर्नमेंट ने आपके लिए डिवाइस सिस्टम भी लगाया हुआ है, डिवाइस सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट आपको ऑनलाइन कभी कहीं भी आपका लोकेशन ट्रेस कर सकती है। जी, द डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड एज अबाउट शैल बी वैलिडेटेड। ठीक है, आएगा आगे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि वैलिडेशन का सिस्टम अब सीधे गवर्नमेंट ने ई वे बिल को ऐड कर दिया है, यानी उसको कोरिलेट कर दिया है वाहन ऐप के थ्रू, यानी कि वाहन जो वेबसाइट है उसके साथ उसको कोरिलेट कर दिया है। जिस तरह आप कहीं पर भी पैन एंटर करते हैं और उस पैन को हम लोग डायरेक्ट वैलिडेट कर लेते हैं पैन अथॉरिटीज से, इनकम टैक्स अथॉरिटी वहीं से वैलिडेट कर लेती है, कोई भी अथॉरिटी आपके पैन नंबर को वहां से वैलिडेट कर लेती है, जो UDI का होता है आपका सिस्टम, उसी तरह यहां पर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, आपके व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, जैसे ही व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, तुरंत ये वैलिडेट कर लेगा RTO सिस्टम, RTO ऑफिस से, जो उनका है वेबसाइट वाहन, वहां से उसको कॉन्टैक्ट कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है।
तो वैलिडेशन हो जाएगा वहाँ से कि आप गाड़ी का नंबर वगैरह उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब ठीक है कि नहीं। वेयर एनी कन्वेंस इज इंटरसेप्टेड, अगर रास्ते में उस गाड़ी को रोका जाता है तो पर्सन इंचार्ज से कहा जाता है कि भैया ये सामान किसका है और कहाँ ले जा रहे हो, तो वो बंदा जो पर्सन इंचार्ज होगा वो तुरंत जेब से निकालेगा क्या ई वे बिल और उसके साथ अटैच करेगा डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं अभी मैं एक केवल हिंट दे दे रहा हूँ। टैक्स इनवॉइस हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई हो सकता है, डिलीवरी चालान हो सकता है, बिल ऑफ एंट्री का पेपर हो सकता है, जो भी हो अगर इंपोर्टेड गुड्स है तो उस केस में वो ई वे बिल के साथ साथ इन डॉक्यूमेंट्स को भी शो करेगा हाँ या ना, और बिना उसके वो काम नहीं कर सकता ताकि उस सामान का इंस्पेक्शन रास्ते में कहीं पर भी डिपार्टमेंट कर सके जीएसटी डिपार्टमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट समस्या आती है व्हेन टू जनरेट ई वे बिल, व्हेन टू जनरेट ई वे बिल, ई वे बिल को कब जनरेट किया जाए। लेकिन उसके पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पहला, ई वे बिल इज जनरेटेड इन ई डब्ल्यू बी वन, मैंने ऊपर ही बता दिया था ये ई डब्ल्यू बी वन, बाई लॉगिंग ऑन, मैंने कहा ना जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे ई वे बिल gst.gov.in, तो gst.gov.in नहीं है, ई वे बिल gst.gov.in है। तो आगे आपने gst.gov.in पोर्टल के आगे ई वे बिल ऐड कर लिया, आपका एक नया पोर्टल हो गया। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू सप्लायर रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर, जाहिर सी बात है आई एम द सप्लायर देन आई कैन यूज दिस ई वे बिल सिस्टम, ई वे बिल gst.gov.in पर लॉग इन करके हम इस सिस्टम को यूज करते हैं। सामने वाला बंदा रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट भी अगर चाहे गुड्स का रेसिपिएंट, मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ, इफ द रेसिपिएंट वॉन्ट्स टू लॉग इन और दे जस्ट वॉन्ट टू अपलोड द डिटेल एंड दे जस्ट वॉन्ट टू हैव ई वे बिल ऑन देयर ओन साइड, दे कैन डू सो। तो या तो मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा या तो फिर मेरा काउंटर पार्टी यानी कि जो रेसिपिएंट होगा वो उस ई वे बिल को जनरेट करेगा, या तो फिर तीसरा बंदा है ट्रांसपोर्टर जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा अगर वो थर्ड पार्टी है तो। अगर वो थर्ड पार्टी है जो ट्रांसपोर्टर अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता है, मेरी गाड़ी है मैं सामान को भेज रहा हूँ, मैं मेरी गाड़ी है, मेरी अपनी गाड़ी है, मेरी ट्रक है, मैं अपने ट्रक में सामान को भेज रहा हूँ, आई एम नॉट द ट्रांसपोर्टर आई एम द बिजनेसमैन आई एम द ट्रेडर आई एम अ मैन्युफैक्चरर। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ट्रेडर हूँ, मेरी अपनी व्हीकल है तो मैं उसी के थ्रू सामान को भेजूंगा, देन द रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी विद मी। नाउ ऑन द अदर साइड इफ द रेसिपिएंट इज देयर एंड दे ओन देयर ओन व्हीकल, अगर उनके पास अपनी ओन व्हीकल या कन्वीनियंस है और वो अपने सामान को अपनी गाड़ी में ले जाना चाहते हैं मेरे यहाँ से, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे और अपना ई वे बिल जनरेट करेंगे और सामान को हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड इफ वी हायर द ट्रांसपोर्टर, अगर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया है तो अगर मैं जनरेट करना चाहूँ मैं जनरेट करूँगा, अगर रेसिपिएंट जनरेट करना चाहे रेसिपिएंट जनरेट करेगा, अगर ट्रांसपोर्टर जनरेट करना चाहे तो ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा, कब कौन जनरेट करेगा आएगा उसके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिमाग में से निकाल लें कि केवल जो सप्लायर है वही ई वे बिल जनरेट करेगा, ये दिमाग में नहीं रखना है। इट कैन बी जनरेटेड थ्रू वेब एंड्रॉयड एप्स SMS यूजिंग बल्क अपलोड टूल्स एंड API एक्सेट्रा। इट कैन बी जनरेटेड ओनली बाई ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑन GST पोर्टल एंड ऑल्सो रजिस्टर ऑन ई वे बिल पोर्टल। तो एक बंदे को दो जगह रजिस्टर होना चाहिए नॉर्मली, GST पोर्टल पर भी और ई वे बिल पोर्टल पर भी। तो ई वे बिल अपलोड, ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको ई वे बिल पर तो रजिस्टर करवाना ही होगा भले ही आप GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड ना हो। तो मैंने आपको ये एक्सेप्शन शुरू में ही बता दिया, इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल कि कोई बंदा तभी ई वे बिल जनरेट कर पाएगा जब वो GST पोर्टल में रजिस्टर्ड हो, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए नॉर्मली। अब मैंने देखो नीचे लिख भी दिया है, अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट इफ इट बाई इनरोलिंग हिमसेल्फ ऑन GST पोर्टल ओनली, अवेलेबल इन GST पोर्टल ओनली। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी और इसके लिए जो लिमिट बताई गई है 50,000 है। तो सामान एक जगह से कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, सामान एक जगह से कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह मूवमेंट कर रहा है, किस लिए? सर सेल हुआ होगा, सप्लाई हुई होगी। अरे नहीं, जरूरी नहीं सप्लाई हुई हो, अदर रीजंस भी हो सकते हैं। हमारा ना एक गोडाउन है दूसरे स्टेट में, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से सामान दूसरे स्टेट में भेजूँ। अरे भैया तो कैसे भेजोगे? डिलीवरी चालान के थ्रू। अरे मैं चाहता हूँ ना मैं ये सामान किसी जॉब वर्कर के पास भेजूँ, जॉब वर्क हो करके सामान वापस आएगा। सप्लाई नहीं है ये, दिस इज़ नॉट अ सेल ऑफ गुड्स, ये सप्लाई नहीं है, सामान बन करके वापस मेरे यहाँ आएगा तो मुझे फिर वहाँ पर क्या डिलीवरी चालान के थ्रू सामान भेजना पड़ेगा। जी सर, तो जरा देखें, इन रिलेशन टू सप्लाई फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अदर देन सप्लाई क्या क्या हो सकता है? जॉब वर्कर के पास मैं सामान भेज रहा हूँ, अप्रूवल बेसिस पर सामान जा रहा है, रिप्लेसमेंट अंडर वारंटी है, रेसिपिएंट नॉट नोन है, यानी कि अगर मैं कुछ फेयर वगैरह में जा रहा हूँ, मैं सामान ले जा रहा हूँ, हीरे मोती का कारोबार है, ज्वेलरी का कारोबार है, अब मैं यहाँ से किसी फेयर में जा रहा हूँ, उस फेयर में हो सकता है सामान सप्लाई हो सकता है सामान सप्लाई ना हो।
अब मैं 10 लाख रुपए का सामान अपनी अटैची में लेकर के जा रहा हूं, तो अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का सामान है तो आपको जीएसटी पोर्टल पर ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई में जाएगा, बिकॉज सप्लायर इज रेसिपियंट इज नॉट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और तीसरा एक सबसे बड़ा रीजन है, पहला बताया ड्यू टू द सप्लाई, दूसरा फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, और थर्ड है आपका कि अगर मैं एक रेसिपिएंट हूं, मैं सामान खरीद रहा हूं और वहां पर मैं जो सामान खरीद रहा हूं वो मैं किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से सामान खरीद रहा हूं, और अगर अनरजिस्टर्ड बंदे से सामान खरीद रहा हूं, मैं रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हूं, मैंने कोई सामान खरीदा लेकिन जिससे खरीदा अनरजिस्टर्ड से, इट मींस नाउ द टैक्स बर्डन इज विद मी। नॉर्मली छोड़ दो उसको भी कि टैक्स बर्डन है नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, सेक्शन 9394 को किनारे करते हैं, उसमें कई चीजें फिर नहीं तो लोचा आ जाएगा। केवल ये समझिए, मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदा, ठीक, ईवे बिल कौन जनरेट करेगा? सर वो तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। आई एम द रजिस्टर्ड वन, आई एम द रेसिपिएंट, आई एम द रजिस्टर्ड वन, आई कैन जनरेट द ईवे बिल, दैट्स इट। तो ये तीन केस हो गए, ठीक है ना। हु कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स, मैंने कहा ना आएगा, मैंने पहले ही कहा था आएगा, ये हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लायर, रेसिपियंट, रजिस्टर्ड रेसिपियंट। अब आते हैं तीनों के बारे में बात करते हैं, और मैंने शुरू में ही इसके बारे में आपको हल्का फुल्का हिंट दे दिया था। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो जिम्मेदारी लेता है मैं सामान भेजूंगा, तू क्यों चिंता करता है, तो वो खुद क्या करेगा, ईवे बिल जनरेट करेगा। रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट कहता है नहीं 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 मैं अपनी गाड़ी भेजूंगा, नहीं 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 मैं अपनी गाड़ी भेजूंगा, तो भैया भेज, उसकी डिटेल बना, उसका ईवे बिल जनरेट कर, उसके बाद तो सामान यहां से ले जा, वो खुद करेगा। तीसरा रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, मैं सर सर गुड्स को खरीदने का काम कर रहा हूं, तो जिससे मैं खरीद रहा हूं वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो गुड्स का रेसिपिएंट ही ईवे बिल जनरेट करेगा अगर वो रजिस्टर्ड है, तो इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। इज इट क्लियर? कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसी अमाउंट जो आप डिक्लेयर करते हैं या तो टैक्स इनवॉइस में, या तो बिल ऑफ सप्लाई में, या डिलीवरी चालान में, फलाना एंड धमाका में, ठीक है ना। और हाँ, इसमें याद रखेंगे एंड ऑल्सो इंक्लूड द CGST, SGST, UTGST, IGST, तो जो 50,000 की वैल्यू आएगी उसमें टैक्स भी शामिल होगा, उसमें टैक्स की वैल्यू भी शामिल होगी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ GST, इंक्लूसिव ऑफ GST, बट डजंट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच इज 100% एग्जेम्प्ट, तो अगर मैं कोई सप्लायर हूँ, मैं दो सामान बेच रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, एक टैक्सेबल है एक एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल की टोटल वैल्यू ले लो इंक्लूसिव जीएसटी, एग्जेम्प्ट वाले को बिल्कुल छोड़ दो, उसको तो कैलकुलेट करते ही नहीं। अगर मैं सारा सामान जो 100% एग्जेम्प्ट है, मैंने पूरी गाड़ी में सामान वो भेजा जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, तो भैया वहां पर जीएसटी बिल, ईवी बिल जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? अगर 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई हो रही है तो वहां पर ईवी बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों सामान एक साथ हैं, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों, तो एग्जेम्प्ट को किनारे करो, टैक्सेबल वाले का वैल्यू ले लो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, जिसमें जीएसटी भी शामिल होगा। इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, द मूवमेंट इज ओकेजन्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी चालान, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जरूरी नहीं कि हम लोग सप्लाई ही करें, मुझे अपने एक ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर करना है, आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई द गुड्स, दिस इज द रीजन अदर देन सप्लाई, देन इन दैट केस आई हैव टू जनरेट डिलीवरी चालान फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डिलीवरी चालान के थ्रू ही सामान जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट हमको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जरा ढंग से सुनेंगे, जिसके बारे में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, यानी कि 1 रुपए का भी सामान अगर ट्रांसफर करेंगे आप एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। 1 रुपए का भी सामान अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो उस केस में आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सर्टेन एक्सेप्शंस, नो थ्रेशोल्ड लिमिट, तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हमको कोई लिमिट नहीं दी गई है, बिना लिमिट के हमको काम करना है, यानी हमको हर केस में ईवे बिल तो जनरेट करना ही करना है। तो वो पहले आता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर हैंडीक्राफ्ट
क्राफ्ट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, तो वहां पर हमको ई वे बिल जनरेट करना ही करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कोई माफी नहीं दी है। तो इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का तो वहां पर आएगा। दूसरा, वेयर गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन ए स्टेट टू एनी अदर स्टेट द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जॉब वर्कर को हम सामान सप्लाई कर रहे हैं, जॉब वर्कर को सामान दे रहे हैं, तो उस केस में भी एग्जेम्पशन लिमिट जीरो है, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ये दो ही केस हैं, एक तो जॉब वर्क है आपका ये, और दूसरा है आपका हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो ये दो चीजें आपको याद रखें, और ये याद रखेंगे ये केवल और केवल इंटर स्टेट होना चाहिए, ठीक है ना। इन वन स्टेट टू जॉब वर्क लोकेटेड इन एनी अदर स्टेट, इन वन साइड स्टेट टू एन अदर स्टेट, ठीक है ना, या यूनियन टेरिटरी। ऑप्शनल है, 50,000 रुपए के नीचे का सामान है तो वहां पर अगर आप बिल ऑफ ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं देन इट इज अप टू यू, यू कैन जनरेट इट। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं जनरेट कर सकते, अगर 10,000 का सामान है ई वे बिल आप जनरेट करना चाहते हैं देन इट इज अप टू यू, ये तो अच्छी बात है ना। अब हमारे सामने एक नई समस्या आती है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए एंड बी, मींस व्हाट आर द कंटेंट्स टू बी शोन इन पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ EWB-01। तो जो हमारे सामने फॉर्म खुल करके आता है पार्ट ए पार्ट बी, उसके पार्ट ए में क्या होता है, दिस इज पार्ट ए और दिस इज पार्ट बी। पार्ट ए, रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए EWB-01 कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो जब गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा उसके पहले उसको EWB-01 के पार्ट ए में जाकर के अपना GST नंबर, रेसिपियंट का GST नंबर, कहाँ से सामान जाएगा, कहाँ तक जाना है, और डॉक्यूमेंट नंबर अगर टैक्स इनवॉइस के थ्रू जा रहा है तो टैक्स इनवॉइस नंबर वगैरह डिटेल, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री अगर इंपोर्टेड गुड्स है तो। वैल्यू ऑफ गुड्स आपको मालूम है, मैंने सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग बताया जिसमें GST की वैल्यू शामिल होती है लेकिन उसमें एग्जेम्प्ट वैल्यू को शामिल नहीं करते। HSN कोड वो शामिल करेंगे। इतनी चीजें आपको पार्ट ए में तो दिखानी है। रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब रीजन जब आप GST ई वे बिल पर आएंगे ना तो उसमें ऊपर रीजन लिखे हुए हैं तो आप उसी में से चुन लेंगे, वो अपने आप पिक कर लेगा। तो सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, जॉब वर्क, SKD, CKD, SKD मतलब सेमी नॉकडाउन कंडीशन, CKD कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन, ये हम लोग देखेंगे। अगर नहीं देखा है तो छोड़ देते हैं, अभी हम छोड़ देते हैं, अपने मतलब की बात पर रहते हैं नहीं तो कहानी हम लोग की डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। रेसिपिएंट नॉट नोन, लाइन सेल्स, सेल्स रिटर्न, एग्जीबिशन ऑफ फेयर फॉर ओन यूज अदर्स। तो अगर ये सप्लाई का केस नहीं है, रिवर्स सप्लाई है, रिवर्स सप्लाई मतलब सेल्स रिटर्न है तो उसमें आ जाएंगे। एग्जीबिशन या फेयर में शो करने के लिए ले जा रहे हैं, अपने यूज के लिए ले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का केस है, जॉब वर्क का केस है, SKD और CKD यानी सेमी नॉकडाउन कंडीशन एंड कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन का केस है, यानी अदर देन सप्लाई का रीजन है तो आप उसको शो जरूर करेंगे। अगर सप्लाई का रीजन है तो उसको भी आप शो करेंगे जी, तो यानी कि जो रीजन है आपको शो करना पड़ेगा। ई वे बिल वो जनरेट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसके कारण वो सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। रेसिपिएंट नॉट नोन, अच्छा छोड़ दें, ठीक है। सेकंड पार्ट बी में क्या लिखते हैं हम लोग, पार्ट बी में क्या लिखते हैं, पार्ट बी में मैंने कहा ना ट्रांसपोर्ट यानी कि डिटेल्स देते हैं, व्हीकल की डिटेल्स देते हैं, क्या देते हैं, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, तो GRN नंबर देते हैं, रेलवे रिसीट नंबर देते हैं, फॉरवर्डिंग नोट नंबर देते हैं, पार्सल वे बिल नंबर देते हैं जो रेलवे इशू करता है, एयरवे बिल नंबर देते हैं, व्हीकल नंबर देते हैं, रोड की, ट्रांसपोर्ट की, डिफेंस व्हीकल नंबर, टेम्पोरेरी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, नेपाल और भूटान व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और व्हीकल की डिटेल देनी पड़ती है हमें पार्ट बी में। नॉर्मली हमें पार्ट बी में व्हीकल से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, बस बात इतनी सी है, क्लियर है। जैसे ही आप पार्ट बी को फिलअप कर देते हैं तुरंत का तुरंत आपका ई वे बिल जनरेट हो जाता है विद QR कोड, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने शुरू में ही आपको बताया हम लोग को आगे चलकर ये सीखना है कि हु इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। तो यहां पर वही क्वेश्चन है, हु इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। तो ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, मजबूरी किसकी है ई वे बिल जनरेट करने की। मैंने कहा कोई भी कर सकता है, सप्लायर, रेसिपियंट और ट्रांसपोर्टर, तीनों में से कोई भी कर सकता है। तो गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर मैं सप्लायर हूँ और मैं रजिस्टर्ड हूँ
और मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं सामान आपके यहां पहुंचा करके ही रहूंगा, तो मैं वेदर एज कंसाइनर और कंसाइनी वेदर इन हिज ओन हायर्ड और पब्लिक कन्वीनियंस सेड पर्सन शैल हैव टू जनरेट बाई फिलिंग अप द पार्ट बी. ठीक है, ईवे बिल इज नॉट जनरेटेड बाई रजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर बाई रोड. ईवे बिल इज नॉट जनरेटेड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर. द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इन्फॉर्मेशन ई डब्ल्यू बी वन एंड ईवे बिल शैल बी जनरेटेड बाई ट्रांसपोर्टर ऑन द इन्फॉर्मेशन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाई रजिस्टर्ड पर्सन. मान लो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ बट आई डोंट वॉन्ट टू जनरेट ईवे बिल. मैंने वो ट्रांसपोर्टर को हेडेक दे दी, मैंने कहा भाई तू ये सामान ले जाओ, उसने कहा ईवे बिल दो, मैंने कहा मैंने जनरेट नहीं किया, उसने कहा ठीक है पार्ट ए भर लो पार्ट बी मैं भर करके जनरेट करूंगा. उसने क्या बोला, उसने कहा मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मुझसे उम्मीद की जा रही थी कि आई विल जनरेट द ईवे बिल एंड आई वॉज कैपेबल टू जनरेट इट बिकॉज ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वॉज विद मी. वॉट आई डिड, आई फिल अप ऑल द इन्फॉर्मेशन विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप इन पार्ट ए ऑफ ई डब्ल्यू वी वन. तो ई डब्ल्यू बी वन में जितनी चीज़ें भरनी थी जीएसटी एंड सप्लायर रेसिपियंट फलाना एंड डिमाका, वो सारी चीज़ें मैंने भर दी और उसके बाद पार्ट बी को मैंने छोड़ दिया. और मैंने ये इन्फॉर्मेशन किसको दे दी, सारी की सारी पार्ट ए से रिलेटेड ट्रांसपोर्टर को. ट्रांसपोर्टर जाएगा और वहाँ पर पार्ट बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिलअप करेगा, पार्ट बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिलअप करेगा, अपने व्हीकल का डिटेल्स वगैरह फिलअप करेगा और उसके बाद वो ई वे बिल जनरेट कर लेगा. क्लियर है ना. अच्छा, तीसरा है, अगर ट्रांसपोर्टर की मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टर भले ही रजिस्टर्ड ना हो, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है गुड्स की, यानी कि साल भर के टर्नओवर इतना नहीं है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कहा है कि हर एक ट्रांसपोर्टर को चाहिए कि वो ई वे बिल पर तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले. ई वे बिल पर दे कैन डू सो, दे कैन गेट देयर रजिस्ट्रेशन विदाउट गेटिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर नॉर्मल सिस्टम ऑफ जीएसटी. तो बिना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए भी हमारे ट्रांसपोर्टर अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं ई वे बिल पोर्टल पर. सोचो ट्रांसपोर्टर के लिए एक अच्छी चीज़ बनाई गई है. ट्रांसपोर्टर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन द जीएसटी एन पोर्टल और कैन ऑल्सो एनरोल ऑन द ई वे बिल पोर्टल एंड गेट द ट्रांसपोर्टर आईडी. तो उनको एक ट्रांसपोर्टर आईडी मिल जाती है और द रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स बाई रोड कैन ऑल्सो ऑथराइज ट्रांसपोर्टर फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन पार्ट ए ऑफ EWB01. नाउ आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू जनरेट ई वे बिल. Even I do not want to fill up the information related to EWB01 part A. I give each and every information to the transporter and now the transporter on behalf of me fill up all the information and will generate the e-way bill. Haan ya na? Where e-way bill is not generated by consigner or not by consignee, yani recipient, na to maine generate kiya, na to us bande ne jisko main saman bhej raha hoon, aur goods de diya gaya hai transporter ko. The registered person shall furnish the information relating to the transporter in part B of EW and the EWA bill shall be generated by the transporter. बता तो दिया सर, कितनी बार आप बताएंगे, वही कहानी है घूम फिर करके. क्लियर हुआ जी सर. अब कौन जनरेट कर सकता है, अनरजिस्टर्ड बंदा जनरेट कर सकता है. अगर वेयर मूवमेंट इज कॉज बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन द EWA bill will be generated by the unregistered person or the transporter. Where goods are supplied by unregistered supplier to a registered recipient. तो अगर सप्लाई करने वाला unregistered है, recipient registered है, तो recipient EWA bill generate कर सकता है. Yes sir. ना वो कर रहा है ना मैं कर रहा हूं, कौन कर सकता है, transporter कर सकता है. ये भी कहानी खत्म हो गई. EWA bill in case of movement by railway or air vessel. The information in part A will be furnished by the registered person causing movement of goods. ठीक है. Information in part B shall be furnished by the registered supplier or the registered recipient either before or after the commencement of movement of goods. ठीक है ये भी. There is no requirement to carry e-way bill along with the goods, but railway has to carry invoice delivery challan bill of supply along with the goods. तो जब सामान रेलवे के थ्रू जाता है तो जरूरी नहीं वहाँ पर e-way bill हो. रेलवे के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तो वहाँ पर e-way bill तो नहीं होता. No requirement to carry e-way bill, लेकिन हाँ आपका वो टैक्स इनवॉइस की कॉपी, डिलीवरी चालान की कॉपी, बिल ऑफ सप्लाई की कॉपी अपने साथ लेकर के तो जरूर चलेगा. रेलवे के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए. और रेलवे तब तक ये सामान हैंडओवर नहीं करेगा उस बंदे को जो बंदा उस सामान को लेने आएगा. मान लो रेलवे एक जगह से सामान ले गया दूसरी जगह पर, आपने उसको डिलीवर कर दिया, रेलवे वाला ले गया उस टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर, उस बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पर, डिलीवरी चालान के बेसिस पर, रेलवे ने दूसरे अपने स्टोर रूम में सामान रखवा दिया,
डेस्टिनेशन प्लेस पर। अब जिसको वो बंदे को सामान लेना है वो आता है उस सामान को रिलीज करवाने के लिए, तो सामान तब तक डिलीवर ना किया जाएगा उसको जब तक कि वो ई वे बिल ना शो कर दे। जी सर, बिना ई वे बिल के तो सामान वो रिलीज भी नहीं करवा सकता। हाँ, ड्यूरेशन, रास्ते के लिए कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। सर क्यों, रेलवे को ऐसी माफी क्यों दी गई है? क्या रेलवे को रास्ते में टैक्स डिपार्टमेंट रोक करके कहेगा जरा दिखाओ ई वे बिल है क्या? नहीं, रेलवे को रोक करके पूछेगा। अरे भाई, ई वे बिल की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां पर हम गाड़ी को रास्ते में रोक सकें। अब शिप को, एक देश से दूसरे देश में आ रहा है शिप को समुद्र के बीच में रोक कर, बताओ ई वे बिल है कितने? अरे भैया, उसके लिए लॉग बुक वगैरह अलग बनती है, उसका सिस्टम थोड़ा अलग है। तो हर जगह वो चीज़, तो अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो ये ई वे बिल ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड के लिए बना है। नॉर्मल अगर एक कॉमन सेंस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं हमने किसी को माल सप्लाई करना है और वो किसी दूसरे स्टेट या सिटी में है, लेकिन हमने अपने प्रिमाइसिस से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन के प्लेस तक यानी ट्रांसपोर्टर के यहां तक सामान को भेजने के लिए मैंने ई वे बिल जनरेट करना है, लेकिन इस ई वे बिल की जरूरत उस समय नहीं पड़ेगी अगर मेरे प्लेस से ट्रांसपोर्टर के प्लेस तक के बीच का गैप 50 किलोमीटर तक का है। तो वहां पर ई वे बिल जनरेट नहीं करना है, वहां पर केवल मुझे ई वे बिल का पार्ट ए फिलअप करना है। और जब ये सामान फर्दर मूवमेंट के लिए किसके पास जाएगा? ट्रांसपोर्टर के पास, तो वो इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा पार्ट बी को फिलअप करके और ई वे बिल जनरेट करेगा। अब मेरी बात समझ में आई? रिलीफ अप टू 50 किलोमीटर्स, नॉट टू फर्निश डिटेल इन पार्ट बी। अगर कोई ट्रांसपोर्टर जिसको फर्दर मूवमेंट करना है, ठीक है ना, जिसको फर्दर मूवमेंट करना है, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन करना है गुड्स का, तो वो ट्रांसपोर्टर के पास सामान भेजने के लिए तो उस ट्रांसपोर्टर की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 50 किलोमीटर्स के अंदर है विद इन द सेम स्टेट, वो दूसरे स्टेट में नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर, द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर, क्लियर है? तो वहां पर पार्ट बी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब वहां पर पार्ट बी कौन फिलअप करेगा? नीचे देखें, ये सब लिखा हुआ है, असाइनमेंट ऑफ ई वे बिल नंबर। तो जो ई वे बिल नंबर जनरेट हुआ होगा, ई वे बिल तो नहीं जनरेट हुआ होगा, जो ई वे बिल नंबर आएगा वो हम सामने वाले को हैंड ओवर कर देंगे, उस ई वे बिल नंबर के हिसाब से वो उसको अपडेट करके ई वे बिल जनरेट कर लेगा। अब समझ में आई? कंसाइनर और द रेसिपिएंट हु हैज फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए और द ट्रांसपोर्टर में असाइन द ई वे बिल नंबर टू अनदर रजिस्टर्ड और इनरोल्ड ट्रांसपोर्टर फॉर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स। अच्छा, एक वर्ड आता है बार बार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आता होगा। कन्फ्यूजन क्या आता होगा कि सर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रक है, ठीक है, आपके पास एक ट्रक है, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, बहुत बढ़िया, आप ट्रांसपोर्टर हैं, मेरे पास एक बंदा आता है कहता है ये 20,000 का सामान मेरा इस जगह से इस जगह तक पहुँचा दो। दूसरा बंदा आता है वो 15,000 रुपये का सामान कहता है 15,000 का कि इस प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाओ। थर्ड पर्सन आता है वो 5,000 का सामान देता है और कहता है कि मेरा सामान इस प्लेस से इस प्लेस तक ले जाओ। फोर्थ आता है 40,000 का देता है, मीन्स कोई भी 50,000 से अधिक नहीं है, दो मिनट के लिए मान लेते हैं। लेकिन इन अ कॉन्सोलिडेटेड वे, इफ वी एक्यूमुलेट ईच एंड एवरी अमाउंट वॉट एवर वी गॉट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50,000। अब तो उस समय क्या करें? या आप ये भूल जाइए कि किसी का 5,000 10,000 है, मैं एक ही व्हीकल ले जा रहा हूं, उस एक व्हीकल में मैंने डिफरेंट रेसिपिएंट का सामान रखा है। किसका सामान रखा है? डिफरेंट रेसिपिएंट का सामान रखा है। अलग अलग कंसाइनर हैं, अलग अलग कंसाइनी हैं, कई कंसाइनर का सामान मैंने रखा और कई कंसाइनीज को वो सामान मुझे पहुंचाना है, ये एक सिचुएशन है। तो उस केस में मैं क्या करूं? क्या मैं सबका अलग अलग ई वे बिल लेकर के चलूं? कहा गया ना। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, जितने भी ई वे बिल सेपरेटली जनरेट हुए हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी डिफरेंट ई वे बिल जनरेट हुए हैं, मैं उनका एक कॉन्सोलिडेटेड ई वे बिल क्रिएट करूंगा। ओके, दिस इज जस्ट लाइक योर ट्रिप शीट कि हमको इस डेट के बाद यहां से यहां तक जाना है, इस डेट के बाद यहां से यहां तक जाना है, यहां पर इतने दिन रुकना है, फिर आगे बढ़ना है। इन द सेम वे दिस कॉन्सोलिडेट ई वे बिल वर्क। तो कॉन्सोलिडेट ई वे बिल क्या होता है? सेम वही चीज होती है,
इसके लिए आपको जहां ईवे बिल जनरेट करते हैं ईवे बिल पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर न्यू ईवे बिल जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि ईवे बिल तो सारे के सारे जनरेट किए ही हुए हैं। उसके तीसरे पॉइंट को जब आप देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर तो वहां पर लिखा रहेगा कंसोलिडेटेड ईवे बिल। जब आप उसको क्लिक करेंगे आपको वहां पर केवल व्हीकल नंबर डालना है और ईवे बिल नंबर डालना है। व्हीकल नंबर तो उन लोगों ने व्हीकल नंबर डाला होगा, व्हीकल नंबर मैंने डाल लिया। जैसे ही मैंने एक लाइन में ईवे बिल नंबर डाला तो उस ईवे बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ईवे बिल नंबर 2 डाला दूसरे का, वहां पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। 3, 4 जितने भी ईवे बिल नंबर होंगे अलग अलग सीरीज होंगी, 1, 2, 4, 3, 4 मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, अलग अलग नंबर होंगे। जैसे जैसे मैं नंबर डालूंगा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आगे की कॉलम में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, वो आपका कहलाएगा कंसोलिडेटेड ईवे बिल। तो कहता है वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वीनियंस जनरेट सेपरेट ईवे बिल। सबसे पहले तो आपको सेपरेट ईवे बिल जनरेट करने पड़ेंगे। गेट ईवे बिल नंबर ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट, और हर एक ईवे बिल को आप अपने पास रखें। जनरेट कंसोलिडेट ईवे बिल फिल व्हीकल नंबर एंड सेपरेट ईवे बिल नंबर, ओनली द रेस्ट ऑफ द डिटेल विल बी ऑटो पॉपुलेटेड एट वन प्लेस। फॉर्म जीएसटी ईवे बिल 2 मस्ट बी जनरेटेड प्रायर टू मूवमेंट ऑफ द गुड्स। इज इट क्लियर? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। कंसोलिडेट ईवे बिल इज लाइक अ ट्रिप शीट एंड इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ डिफरेंट ईवे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कंसाइनमेंट्स बींग ट्रांसपोर्टेड इन वन व्हीकल एंड दीज ईवे बिल हैव डिफरेंट वैलिडिटी पीरियड्स। हर एक ईवे बिल की अपनी एक वैलिडिटी पीरियड होती है। सर आपने तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं, आ रहे हैं, चलिए 2 मिनट और पेशेंस रखिए, तो उसके बाद हम बताएंगे 1 दिन 2 दिन कितने कितने दिन के लिए ईवे बिल हमारा वैलिड रहता है। ईवे बिल इज नॉट वैलिड विदाउट व्हीकल नंबर, तो बिना व्हीकल नंबर डाले ईवे बिल वैलिड नहीं माना जाएगा। ईवे बिल पर यह कंपल्शन है कि आपको व्हीकल नंबर लिखना है, पता तो चले इस व्हीकल में ये सामान है। सामान है किस व्हीकल में है यही नहीं पता चलेगा तो ईवे बिल का फायदा ही नहीं मिलेगा। ईवे बिल पोर्टल हैज बिन लिंक्ड विद द वाहन सिस्टम, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। नाउ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी वैलिडेटेड एट द टाइम ऑफ द जनरेशन ऑफ ईवे बिल। वंस ईवे बिल इज जनरेटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड फॉर एनी मिस्टेक। आप उसको एडिट नहीं कर सकते। एक बार अगर ईवे बिल जनरेट कर दिया आपने, अब आप उसको आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये 24 घंटे के अंदर कैंसिल किया जा सकता है। ईवे बिल कैन बी कैंसिल्ड विद इन 24 आवर्स। आपको सामान नहीं देना है, ट्रिप कैंसिल हो गई, कोई भी अनसर्टेन अनवांटेड सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई। ईवे बिल मे बी अपडेटेड विद व्हीकल नंबर। अच्छा एक बात बताओ, व्हीकल नंबर होना चाहिए, ईवे बिल आप अपडेट नहीं कर सकते बीच में। एक बार वो ईवे बिल जनरेट हो गया, अब ईवे बिल अपडेट करना है तो भैया उसको कैंसिल करो, नया ईवे बिल बनाओ 24 आवर्स के अंदर। एक बार ईवे बिल बन गया, एक गाड़ी में गया, हो सकता है हमको प्लेस ए से प्लेस बी तक सामान को पहुंचाना है और प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंचाने के लिए मुझे 3 अलग अलग ट्रांसपोर्टर को फैसिलिटेट करना पड़े, उनकी सपोर्ट लेनी पड़े, हो सकता है। या एक ट्रांसपोर्टर हमसे तो पूरा सामान ले लेता है, लेकिन जब वो अपने यहाँ गाड़ी में सामान रखता है उसको मालूम है, उसने हमको नहीं बताया कि वो 3 अलग अलग ट्रांसपोर्टर से काम लेगा। उसका प्लेस ए से बी तक जाने के लिए बीच में 3 और ट्रांसपोर्टर का वो फायदा लेगा या उनकी सर्विसेज लेगा। तो जब वो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है और दूसरे प्लेस पर गाड़ी में हैंडओवर करता है गुड्स को दूसरे के व्हीकल पे, तो आपको व्हीकल नंबर एडिट करना पड़ेगा। तो व्हीकल नंबर आप कितनी भी बार एडिट कर सकते हो, व्हीकल नंबर आप कितनी भी बार एडिट कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये चीज़ याद रखेंगे। व्हीकल नंबर कितनी भी बार आप एडिट कर सकते हैं, टायर पंचर हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो सामान को शिफ्ट करके तो व्हीकल नंबर आप कभी भी कैसे भी एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन आप ईवे बिल में चेंजेस नहीं ला सकते, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ईवे बिल शैल बी वैलिड इन एवरी स्टेट एंड एवरी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ईवे बिल है तो पूरे देश में काम करेगा। और इस ईवे बिल का यूज़ कर सकते हैं आप GSTR 1 को फिलअप करने में। तो आप जब GSTR 1 फिलअप करते हैं तो वहाँ पर ईवे बिल पूछता है, आप चाहें तो वहाँ पर डाउनलोड वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। कैंसलेशन ऑफ ईवे बिल, व्हेन एन ईवे बिल हैज़ बीन जनरेटेड बट गुड्स आर ईदर नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड और नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड और आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल ईवे बिल मे बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स। तो जब कोई भी सिचुएशन हो सकती है आप ईवे बिल को कैंसलेशन कर सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स के अंदर आपको ईवे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, हाँ या ना। एक बार मान लो मेरे यहाँ से गाड़ी निकली और उस गाड़ी को निकले हुए 10 घंटे हो गए, रास्ते में गाड़ी पकड़ा गई और उसमें वहाँ सामान दिख गया टैक्स डिपार्टमेंट वालों को, और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ ईवे बिल कैंसिल कर, अभी कैसे कैंसिल कर सकते हो भले ही 24 घंटे ना हुआ हो,
भले ही 24 घंटे ना हुए हों, लेकिन एक बार अगर वो इंस्पेक्शन में गाड़ी आ गई तो अब आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। कितने दिन की वैल्यू होती है वैलिडेशन पीरियड, कितने दिन की होती है वैलिडिटी? अगर 100 किलोमीटर तक आपको सामान ले जाना है तो वन डे इन केस अदर देन वन डे रहेगा, उसके बाद हर 100 किलोमीटर का या उसके पार्ट का एक और दिन मिल जाएगा। यानी अगर 120 किलोमीटर है तो आपको दो दिन मिलेगा, 80 किलोमीटर है तो आपको एक दिन मिलेगा, 210 किलोमीटर है तो वन प्लस 10 किलोमीटर के लिए एक और मिल जाएगा, तीन दिन मिल जाएंगे। सर मान लीजिए कोई सामान यहाँ से गया और मतलब फर्स्ट 100 किलोमीटर के लिए वन डे और उसके बाद हर एक पार्ट के लिए 100 किलोमीटर या उसके एक पार्ट के लिए एक दिन एडिशनल मिलेगा, ये चीज आप याद रखेंगे, हाँ या ना। तो इसके लिए कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल स्टार्ट व्हेन फर्स्ट एंट्री इज मेड इन पार्ट बी। जैसे ही आपने पार्ट बी में एंट्री की, पार्ट ए में एंट्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही आपने पार्ट बी में एंट्री कर ली, सबमिट कर दिया, ई वे बिल जनरेट हो गया, इसका मतलब आपका काम तमाम, वहां से वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट 24 घंटे के अंदर कैंसिल करने की, या उस सामान को 24 घंटे के अंदर हर 100 किलोमीटर या उसके बाद एक एडिशनल आपकी वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। बाय रोड व्हीकल एंट्री इज मेड फर्स्ट टाइम इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन रेल फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन नंबर एंट्री इन द एंट्री इज मेड रेलिवेंट डेट, ठीक है, जिस दिन वो आपने क्लिक किया। वन डे काउंट कैसे किया जाता है? मान लो आज मैंने ई वे बिल बनाया, अभी शाम को 7 बजे या 8 बजे मैंने बनाया, तो अभी ये काउंट होगा रात के 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक, 12 से 12, पूरे 12 से 12 चलता है ये, 12 to 12, ये एक दिन माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेंगे और लिखा भी है, देखिए, शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच द ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड एंड ईच डे शैल बी काउंटेड एज द पीरियड एक्स पैरिंग एट midnight ऑफ द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द ई वे बिल। तो आज अगर मैं जनरेट करता हूं तो कल रात के 12 बजे जब खत्म होगा पूरा, डेट चेंज होगी उस दिन तक, ठीक है ना। डेट कब चेंज होती है? जैसे ही 12 बजता है डेट चेंज हो जाती है, उसी तरह यहां पर भी है, ठीक है ना। तो डेट टू डेट चलता है, डेट जब से चल रही है वो पूरा रहेगा। तो आज अगर मैंने जनरेट किया तो 24 घंटे तो हो नहीं पाए, एक दिन तो मिला नहीं, तो आज का ये बोनस समझ लो कल का पूरा 24 घंटा, क्लियर है। एक्सटेंशन, अगर किसी वजह से सामान मेरा नहीं पहुंच पाया या मुझे एक्सटेंशन चाहिए तो मैं कमिश्नर से अपनी पीरियड को या वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड करवा सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके पास सफिशियंट कॉज होनी चाहिए वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड। डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरिड होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कुछ नई बात मैं नहीं बताने जा रहा है यहाँ पर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी किए जाने हैं। द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेयंस, जो पर्सन इन चार्ज होगा उस गाड़ी का, उस व्हीकल का, वो कैरी करेगा इनवॉयस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान और ई वे बिल की कॉपी। बिना ई वे बिल की कॉपी तो काम नहीं चलेगा, और मैंने उस समय भी बताया था, एक ट्रैकिंग आईडी लगाई जाती है, एक डिवाइस अटैच की जाती है, ईदर फिजिकली, या तो आप फिजिकली ई वे बिल की कॉपी रखो या ना, और मैप्ड टू अ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जिसको हम RFID बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी फ्रिक्वेंसी यानी कि जो लोकेशन आपका फाइंड आउट हो सकता है, वो एम्बेडेड होगी वो डिवाइस आपके कन्वेंस में, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाई रेल और SL और वेसल। एयर वेसल और रेल को छोड़ दिया जाए, हवाई जहाज, रेलवे और शिप को अगर छोड़ दिया जाए, तो जो ट्रांसपोर्ट रोड से होता है वहां पर अगर चाहें तो हम लोग इस RFID को, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को, एम्बेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं व्हीकल में, अटैच कर सकते हैं, ताकि उसका ऑनलाइन लोकेशन फाइंड आउट किया जा सके। तो यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, या तो आप, भाई मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं क्या क्या कैरी ऑन करूँगा, मेरे ट्रक में लदा हुआ है सामान, मैं क्या क्या कैरी ऑन करूँगा डॉक्यूमेंटेशन में, मैं टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ एंट्री, या फिर बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ सप्लाई, या टैक्स इनवॉइस, या डिलीवरी चालान, इनमें से मैं कुछ भी कैरी ऑन करूँगा, साथ ही साथ मुझे ई वे बिल तो चाहिए। अब ई वे बिल या तो मैं फिजिकली रखूँ, या फिर मैं ई वे बिल को डिवाइस के थ्रू रखूँ, RFID के थ्रू, जो मेरी गाड़ी में लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन शेल ऑल्सो कैरी बिल ऑफ एंट्री। चलिए मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया, हाँ या ना।
इंटरसेप्शन रोका जा सकता है, कहा जा सकता है भैया आपने गाड़ी को वेरीफाई करवाओ कि जो तुम गाड़ी ले जा रहे हो उसमें सामान है कि नहीं। वेरिफिकेशन थ्रू RFID, जरूरी नहीं ई वे बिल मांगा जाए, अगर ई वे बिल नहीं है तो उसके पास RFID होगा, RFID है तो वहां से हम उसको तो तुरंत लोकेट कर सकते हैं कि क्या क्या सामान है उसकी गाड़ी में, क्योंकि अब तो सारे के सारे RFID रीडर से ही काम हो जाएगा, ऑनलाइन वर्क हो जाएगा। वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस शैल बी कैरियड आउट बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर। जी सर, उस गाड़ी पर वो बंदा देखेगा जो कमिश्नर के द्वारा ऑथराइज्ड टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा गाड़ी में चढ़ेगा, फिजिकली सामान को वेरीफाई करेगा कि जो लिखा हुआ है बिल ऑफ सप्लाई में, टैक्स इनवॉइस में, बिल ऑफ एंट्री में या फिर डिलीवरी चालान में, वो सामान प्रॉपरली वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं और उसकी वैल्यू मैच करती है या नहीं। क्लियर है? यस सर, दैट्स इट। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और, नो डबल वेरिफिकेशन। एक बार अगर आपकी गाड़ी का वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आपकी उस गाड़ी का वेरिफिकेशन बार बार नहीं होता, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, फालतू की चीज़ है। वेयर अ व्हीकल हैज़ बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेंड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट्स, द ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सेड इन्फॉर्मेशन ऑन द पोर्टल। जी सर, अगर गाड़ी को रोक दिया गया है और आधे घंटे से अधिक गाड़ी को रोका गया है तो जो ट्रांसपोर्टर होगा EWB04 में इस चीज़ को मेंशन करेगा ताकि जो उसकी वैलिडिटी पीरियड है उसको वो एक्सटेंशन करवा सके। बेसिकली अगर वो समय पर नहीं जा पा रहा है, उसके पास एक प्रॉपर कॉज होना चाहिए। ई वे बिल कहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ई वे बिल इन जगहों पर जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली नॉन मोटराइज व्हीकल होती हैं तो वहाँ पर नहीं पड़ती, जो पैर से चलती हैं, जो जहाँ पर ह्यूमन जो ठेला होता है, नॉन मोटराइज हैं वहाँ पर आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती LPG जो नॉन GST के दायरे में चीज़ें आती हैं, LPG, केरोसिन, पोस्टल बैगेज, प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी, करेंसी, यूज़ पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट्स, वहाँ पर आपको नहीं ज़रूरत पड़ती। वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जी, सारी नहीं। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप देख लेंगे, दैट्स इट। दिस इज़ द कम्प्लीशन ऑफ योर चैप्टर ई वे बिल। होप सो समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू, दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर एंड दिस इज जस्ट लाइक एन स्टोरी। EWB01 का पार्ट ए, पार्ट बी EW04, यही मैंने आपको बताया, और EWB02, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, इसमें केवल आपको एक कहानी की तरह चीज़ों को दिमाग में सेट कर लेना है, अदरवाइज ये चैप्टर तो आपका डन डना डन डन है। एकदम प्योर स्टोरी थी, जैसे बच्चों को राजा रानी की कहानी बताई जाती है, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, नहीं सर, किसी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।